वेलकम टू ए बी एन Today मिनट्स will अपडेट विल बी ऑन सलमान खान जस्ट अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि सलमान खान हैजट टेकन हिज फर्स्ट वैक्सीन डोज ऑफ कोरोना वेल अब कोरोना से बचने के लिए हम सबको वैक्सीन तो लेनी है पर जहां तक अभी तक डिक्लेयर हुआ है कि 60 प्लस वालों को लेना है 45 प्लस को भी परमिशन मिल गई है तो आज फर्स्ट 45 प्लस बॉलीवुड एक्टर्स में से सलमान खान फर्स्ट रहे जिन्होंने अपनी आज वैक्सीन ले ली सैफ अली खान जी ने भी ले ली है अब लेटेस्ट ये क्या रहा है अभी कल ही बात है कि आमिर खान सर को पॉजिटिव निकला उन्होंने अपने आप को घर के अंदर बंद कर लिया है कितने सारे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कोरोना से अफेक्ट हो रहे हैं अब धीरे 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 अब ये कोरोना वैक्सीन को लेके कितनी ओपनली माइंडेडली बॉलीवुड आगे आएगा लेने के लिए बट जिस तरह से हमने आज देखा ओपनली कि सलमान खान जी ने अपनी डोज ले ली है बाहर आए हॉस्पिटल गए कैजुअली बिंदास होके और फिर बाद में उन्होंने पोस्ट डाल दिया कि भैया मैंने तो अपनी वैक्सीन ले ली है दैट्स अ गुड इनिशिएटिव राइट अब लेटेस्ट एक और आमिर खान जी को आया अभी आर माधवन को भी कोरोना वायरस आ गया हाँ वायरस तो फैल रहा है नो डाउट पर इसने इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर दिया है सब प्रिकॉशन्स ले रहे हैं शूट्स में भी काफ़ी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं पर स्टिल गड़बड़ हो रही है अब वो गड़बड़ से बचने के लिए जो 45 प्लस हैं सेलिब्रिटीज़ कोशिश तो पूरी जारी है कि वैक्सीन का पूरा फ़ायदा उठाया जाए अब ये सेलिब्रिटी वर्सेस कोरोना समझ नहीं आया एक्चुअली <laughs> देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है ना बॉलीवुड एक्टर्स वर्सेस कोरोना वायरस पर ये कब तक चलेगा कब हम इस कोरोना वायरस से फ्री होंगे देर इज नो एंड वी नो वी आर ऑल इन द सेम बोट बट वी हैव टू टेक प्रिकॉशन बस आज की अपडेट यही थी टिल देन गुड बाय